झारखंड को लेकर इस बार राजनीति तेज हो चुकी है। आपको बता दें राजधानी पटना में राजपूत एकता जो है इस बार कहीं ना कहीं कांग्रेस को बड़ा झटका देने वाली है। आपको बता दें लगातार एक भी मंत्रिमंडल झारखंड में राजपूतों को नहीं मिलने के बाद राजपूत एकता में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। स्वागत है आपका न्यूज़ फॉर इंडिया में। क्या आपको लगता है मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिला तो इसका विरोध 2020 आने वाले जो चुनाव नहीं उससे भी ज्यादा इस तरह का विरोध होगा जो कांग्रेस सरकार की जो झारखंड में है उसकी नींद हराम हो जाएगी। और आने वाला चुनाव जो बिहार में है विधानसभा 2020 का, उसमें इसका काफी बुरा असर कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा, यूपीए गठबंधन को भुगतना पड़ेगा। आप जान रहे हैं कि राजपूतों का कितना बड़ा योगदान रहा है कांग्रेस सरकार को सपोर्ट में झारखंड में। बहुत ऐसे जो है सीट थे जो पिछले जो आप लोगों ने समर्थन किया, राजपूत एकता ने पूरा समर्थन किया झारखंड को जितवाने में, क्योंकि झारखंड भी महागठबंधन के तौर पे लड़ रहा था और आने वाला समय बिहार का है और बिहार में राजपूतों की बड़ी संख्या मानी जाती है। अगर राजपूत बायकॉट करते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए का बिहार सरकार अन्याय है। राजपूत 9% से मैक्सिमम है, ये आपको मालूम होगा, यादव के बाद सबसे ज्यादा आप जान रहे हैं। तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा और बिहार विधानसभा चुनाव में यदि राजपूत समाज को अच्छी भागीदारी सीट में नहीं दिया जाती है, या कांग्रेस पार्टी हो या अन्य कोई भी दल हो, उसका भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा और कांग्रेस को तो पूर्ण रूप से भुगतना पड़ेगा। जिस तरह से इसको लेकर कोई प्रदर्शन करने वाले आप लोग जो मंत्रिमंडल में सीट नहीं मिला है इसको लेकर झारखंड सरकार का विरोध करेंगे? बहुत जल्दी पटना में बिहार में कई जगह पुतला दहन किया जाएगा समाज के द्वारा और झारखंड में भी इसका काफी विरोध हो रहा है और होना शुरू हो चुका है। समय निर्धारित किया है आप लोगों ने कि इस दिन में तिथि बहुत जल्द हम लोग निर्धारित करके आपको बताएंगे। जी अपना परिचय बताएं। नितेश सिंह कछवाहा हमारे साथ, राजपूत एकता के लोग थे जिनका साफ तौर पे कहना है अगर मंत्रिमंडल में जगह तो इस बार झारखंड सरकार हेमंत सोरेन ने नहीं दिया है, मगर इस बार आगामी चुनाव में बिहार सरकार, अगर बिहार में जो चुनाव होने जा रहा है विधानसभा का उसको लेकर राजपूतों ने कमर कस ली है। अभिषेक के साथ शशि यादव, न्यूज फॉर इंडिया, पटना। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।